हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय सेल्फ प्रियंका। सो आज के वीडियो में हम लोग न्यू मीडिया का जो टॉपिक है सीयूटी के सिलेबस में दे रखा है उसका कुछ समराइज टाइप में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। न्यू मीडिया में जितने भी आपके टॉपिक्स दे रखे हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे। मीन्स आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि न्यू मीडिया क्या होता है। तो आप इस वीडियो को भी देख लेंगे तो आपको न्यू मीडिया की जो जानकारी है वो मिल जाएगी। जो सीयूटी के सिलेबस में दे रखे हैं वो काफ़ी सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, तो उनको पर्टिकुलरली एक एक करके समझाना जो है थोड़ा सा हार्ड है, और वो जिसका कंटेंट है वो भी इतना इजीली नहीं मिलेगा। बट ये जो पर्टिकुलर टॉपिक जो सीबीएसई की बुक में दे रखा है न्यू मीडिया का, वो अगर आप इससे समझ लेंगे तो वो आपके सारे टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आजकल के टाइम में आइस एज बोला जाता है, दैट इज़ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंटरटेनमेंट, इसको जो है आज के टाइम पे बोला जाता है। एज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसने हमारी जो लिविंग है बहुत इजी कर दी है। उसने मतलब एक जो कैमरा है, जो फोटोग्राफ्स हैं, ये सब चीज़ें जो है इनकी वजह से आने से, न्यू मीडिया जो है टेक्नोलॉजी के आने की वजह से लोगों की जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा इजी होती जा रही है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोग किसी का एक्सपीरियंस जानने के बाद किसी जगह के बारे में जानते थे। मीन्स जब तक कोई वहाँ पे गया ना हो, किसी के पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ना हो, तो दूसरे बंदे को उसके बारे में नहीं पता चलता था, जब तक कि जो उसका एक्चुअल एक्सपीरियंसर होता था उसके बारे उससे वो चीज़ वो जान ना ले। तो ये क्या होता था, ये उससे पहले होता था जब टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ था। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब जो लोग हैं अगर वो कहीं पर जा रहे हैं तो वो वहीं पर जाकर अपना जो है कॉल्स के, वीडियो कॉल्स के थ्रू, लाइव्स के थ्रू, स्ट्रीम्स के थ्रू जो है अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, जगह को लाइव दिखाते हैं और उन जगहों के बारे में एक्सप्लोर करते हैं, लोगों को बताते हैं। तो लोगों को घर बैठे ही काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो जानने को मिल रही है ड्यू टू जस्ट टेक्नोलॉजी। तो ये भी एक तरीका है कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन में न्यू मीडिया ने कितना ज़्यादा चेंजेस लेकर आए हैं वो हम देख सकते हैं। फिर इंफॉर्मेशन हैज़ बीन अ प्रिविलेज डिनाइड टू द मासेस टिल द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। मीन्स 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग तक जो है इंफॉर्मेशन लोगों तक इतना ज़्यादा नहीं थी, मासेस तक नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन अगर आप प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में लोगों तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा पहुँच चुकी है, चाहे वो रूरल एरिया हो, रिमोट एरिया हो, सब जगह आपको जो है IT देखने को मिल सकती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है, और जगह जगह पर मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, कम्युनिकेशन का हर जगह जो है साधन बन चुका है। तो ये जो चेंजेस आए हैं ये सब न्यू मीडिया की वजह से आए हैं। दूसरा, अगर हम बात करें कि न्यू मीडिया में हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि इंटरनेट की वजह से जो हमारा कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, लाइक आपका रेडियो, लाइक आपका टेलीविज़न, ये सब चीज़ें क्या हो गई, ये भी सब ऑनलाइन हो गए हैं, वेब्स चले गए हैं, सब चैनल्स से अपनी वेबसाइट्स बना ली हैं, वेब पेजेस बना लिए हैं, वेब चैनल्स बना लिए हैं। रेडियो चैनल्स भी जो हैं आजकल ऑनलाइन हमें पॉकेट FM के तौर पे देखने को मिलते हैं, जो हमें FM सुनने को मिल रहा है, ऑनलाइन FM जो रिकॉर्डर्स बन रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब ऑनलाइन हो रहा है ड्यू टू जस्ट टेक्नोलॉजी। अब लोग जो है TV से हटकर जो नॉर्मल सीरियल्स भी होते हैं वो आपके किसने उनके ऐप्स पे देखना पसंद करते हैं, क्योंकि जो मोबाइल है वो काफ़ी पोर्टेबल है, हैंडी है, तो लोगों को जो है TV ऑन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने फ़ोन्स पर ही जो है सारी चीज़ों को देख लेते हैं। तो जस्ट ड्यू टू न्यू मीडिया ये जो कंटेंट आप एक बार को रीड कर सकते हैं, इसकी PDF मैंने जो है टेलीग्राम पर डाल रखी है, क्योंकि मैं न्यू मीडिया को जो है सिर्फ अपने शब्दों में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इस कंटेंट को पढ़ के नहीं समझा रही हूँ आपको। तो ये आप अपने आप भी पढ़ सकते हो पूरा कंटेंट, जिसमें 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं जानने वाली, वो आप जो है मार्क करके उनको, फैक्ट्स को लर्न कर लेना। ओके, तो अमृत सेन कंसिडर द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी एज अ डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ द 20th सेंचुरी, एड्स द चैलेंज टू द 21st सेंचुरी इज द कम्प्लीशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो उनका मानना क्या है, उनका मानना यह है कि डेमोक्रेसी एंड एसोसिएटेड पॉलिटिकल फ्रीडम आर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन फ्रीडम। सेकंड, डेमोक्रेसी एनहेंसेस पॉलिटिकल अटेंशन दैट वीकर पीपल गेट। इन डेमोक्रेसी फॉर्मेशन ऑफ वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज टेक प्लेस थ्रू ओपन पब्लिक डिस्कशन एंड रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन। अब बात करते हैं कि इंटरनेट से पहले जो है मास कम्युनिकेशन का क्या हाल था। तो इट वॉज अ प्रोसेस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग मैसेजेस क्रिएटेड एंड ट्रांसमिटेड बाई अ फ्यू टू अ वास्ट नंबर ऑफ रिसीवर। मतलब जब इंटरनेट नहीं था तो पहले ऐसा होता था कि
एक बहुत ब्रॉडकास्टिंग मैसेज जो है क्रिएट करे जाते थे और रिसीवर्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाए जाते थे। जो बड़े बड़े गिगेंटिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बहुत जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, गिगेंटिक का मतलब होता है जायंट, जायंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, जो कॉरपोरेशंस होती हैं, वो ये काम करते थे। तो उसके लिए उन्हें जो है ह्यूज टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर रखना पड़ता था, बड़ी बड़ी कंपनीज खोलनी पड़ती थी, तब जाके जो है लोगों से ब्रॉडकास्ट करके बात करी जाती थी। फिर इसमें काफ़ी लार्ज स्केल का इन्वेस्टमेंट होता था और रेवेन्यू मॉडल होता था बिफोर द इंटरनेट। जब हमारे पास इंटरनेट नहीं था तो लोगों तक पहुंचने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी, चीज़ों का जो है लार्ज स्केल पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, तब जाकर जो है कुछ तो तब जाकर जो है कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच पाती थी ड्यू टू द लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब अगर हम बात करें कि अब इंटरनेट की वजह से क्या चेंजेस आए हैं, मतलब क्या सिनेरियो बदल गया है अब इंटरनेट के आने से, तो इंटरनेट ने जो है इंडिविजुअल्स को जगह जगह अपने बारे में पोस्ट करने की आज़ादी दे दी है। लोग अपने बारे में जो है इंटरनेट पे डाल सकते हैं, लोगों तक पहुंच सकते हैं, लोगों तक अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, व्यूज डाल सकते हैं। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचना बहुत ज़्यादा इजी हो गया है ड्यू टू जस्ट इंटरनेट। दूसरा, इंफॉर्मेशन मैसेज इन वन मीडियम ट्रिगिंग ऑफ एक्टिविटी इन टू द अदर्स, मीन्स इंफॉर्मेशन को पहुंचाना एक ही मैसेज को किसी भी एक, मतलब जस्ट एक मीडियम की जरूरत है, वो है आपका इंटरनेट, और आपका मैसेज जो है जगह जगह पर जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। मैनी सोर्सेज ऑफ द सेम इंफॉर्मेशन, मीन्स एक इंफॉर्मेशन के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी खबर को फैलाने के लिए। तो ये भी क्या हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। दूसरा जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑन अ अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल स्केल, रैपिडिटी ऑफ ओपिनियन जनरेशन ऑन अ लोकल नेशनल एंड ग्लोबल स्केल। तो इंटरनेट की वजह से ही ये मुमकिन हो पाया है कि हम ग्लोबल, लोकल और नेशनली जो है अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर सकते हैं। पहले के टाइम पे जो होता इतना हम बाहर तक, अगर हमें अपने नेशनल तक सीमित होना है उसके लिए भी हमें बहुत लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी, तब हम कोने कोने में जाकर जो है अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते थे, वो भी उन तक जिनके पास रेडियो है, जिनके पास टेलीविजन है, वहीं तक। लेकिन अब इंटरनेट के थ्रू क्या है, इतना चीपर हो गया है कि हर कोई जो है इसे अफोर्ड कर रहा है, हर किसी को जो है इंटरनेट चाहिए, हर कोई चला रहा है। तो अपनी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना जो है वो बहुत ज़्यादा इजी हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट, जस्ट बिकॉज ऑफ न्यू मीडिया। तो द सोशियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ऑफ द न्यू इन्फॉर्मेशन ऑर्डर, मीन्स जो ये जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई है इसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हमें सोसाइटी में देखने को मिल रहे हैं, पॉलिटिकली देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि जब इलेक्शंस भी होते हैं उस टाइम पर भी जो है इंटरनेट, सोशल मीडिया जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी व्यू को जो है अपने दिमाग में किसी भी सेटल करने के लिए। मतलब अगर एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप है और कोई एक चीज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है तो वो लोगों के दिमाग में बैठ जाती है, तो वो सोचते हैं कि दिस इज मतलब ये जो है बिल्कुल सही है और सब कुछ अच्छा दिखाया जा रहा है। तो इसी तरीके से जो है पिछली सरकार के बारे में भी ऐसा ही हुआ था, जब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड करने लगी थी, यूथ जो है वो गवर्नमेंट के साथ जुड़ने लग गया था। और ड्यू टू द इंटरनेट द स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज इंक्रीजिंग, तो डेमोक्रेसी में भी जो है एक स्ट्रेंथनिंग देखने को मिली है जस्ट बिकॉज ऑफ एन इंटरनेट। तो ये सब जो है न्यू मीडिया का पार्ट है, जो मैंने आपको छोटे शब्दों में समझाने की कोशिश करी, आपके सारे टॉपिक उसमें कवर हो जाएंगे। पर्टिकुलरली एक एक टॉपिक करके आप पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, उसमें जो आपके एग्जाम्स हैं उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को भी देख लेंगे तो आपको न्यू मीडिया का टॉपिक जो है वो समझ आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।